हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है जॉब की तलाश में हैं और आप अगर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आई होप कि आप जो है जो PSUs कंपनी हैं, जैसे कि मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना कंपनियों के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा जो है बेसिकली महारत्ना कंपनीज के ऊपर जो है बेस्ड है कि महारत्ना कंपनियां किसे कहते हैं और किसी भी कंपनी को जो है महारत्ना का दर्जा हासिल करने के लिए उसके पास क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हर कोई जानता है कि जैसे जो मिनी रत्ना कंपनियां हैं उनसे बड़ा स्टेटस होता है नवरत्ना कंपनियों का, और जो नवरत्ना कंपनियां हैं उनसे बड़ा स्टेटस होता है महारत्ना कंपनियों का। फ्रेंड्स, पूरा बताऊंगा इस वीडियो में कि महारत्ना कंपनी क्या होती है और क्या क्या क्राइटेरिया हैं। फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो आइए फिर वीडियो को फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं महारत्ना कंपनीज के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो हम एक चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं कि जो PSUs कंपनी होती क्या है। तो फ्रेंड्स, PSUs मतलब होता है, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कहने का मतलब ऐसी कंपनियां जिन कंपनियों में गवर्नमेंट का 51% स्टेक्स या शेयर होता है, उसको हम जो है PSU कंपनी बोलते हैं। PSU कंपनियों की तीन कैटेगरी है, एक होती है मिनी रत्ना, दूसरी होती है नवरत्ना और तीसरी होती है महारत्ना। जैसे कि इस समय हमारे इंडिया में 10 कंपनियां हैं जिनको महारत्ना का दर्जा हासिल हुआ है। इन कंपनियों की लिस्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये महारत्ना कंपनी जो है उसको इसका दर्जा कैसे मिलता है और उसकी क्या फ्रीडम्स होती हैं, क्यों महारत्ना कंपनी सबसे बड़ी और जो है सबसे अच्छी होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जो महारत्ना कंपनी होती है, किसी भी कंपनी को जो है अगर उसे महारत्ना का दर्जा हासिल करना है, तो सबसे पहली बात तो वो उसके पहले एक नवरत्ना कंपनी होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको महारत्ना का दर्जा दिया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि महारत्ना का दर्जा किस क्राइटेरिया पे दिया जाता है। फ्रेंड्स, जो बेसिक होता है मेन, वो चार जो है एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है जिसके बेस पे किसी भी कंपनी, किसी नवरत्ना कंपनी को महारत्ना कंपनी का दर्जा दिया जाता है, जो कि आपका उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और उसकी नेटवर्थ क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है और उसका प्रॉफिट क्या है। तो आइए जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अगर किसी भी कंपनी को महारत्ना का दर्जा चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ होती है उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी जो है पिछले 3 सालों से लगातार मिनिमम उसकी 25,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। उसका टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, परंतु ये पहले था, अभी ये जो है क्राइटेरिया घटा करके 20,000 करोड़ पे कर दिया गया है। ठीक, यानी कि 20,000 करोड़ उसको पिछले 3 साल से लगातार टर्नओवर क्रिएट करना कंपलसरी है। उसके बाद में उसकी जो नेट प्रॉफिट है, उसका जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, यानी टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी रेगुलर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है फ्रेंड्स, 2 क्राइटेरिया हो गया, एक तो उसका जो है 20,000 करोड़ से ज़्यादा का उसका टर्नओवर होना चाहिए, दूसरा उसका जो नेट प्रॉफिट है एवरेज वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और उस कंपनी का जो एवरेज नेटवर्थ है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और वो जो है इसके पहले एक नवरत्ना कंपनी होना चाहिए। यानी कि ये जो अगर 4 क्राइटेरिया अगर वो मीट करता है, तो जो है वो महारत्ना कंपनी के काबिल होगा। और एक चीज़ और बहुत ही कंपलसरी, वो जो है जो इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो BSE हो चाहे NSE हो, उसमें वो लिस्टेड होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर कोई कंपनी फुलफिल करती है पिछले लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से, तब उसको जो है वो एलिजिबल होती है, वो अप्लाई कर सकती है कि जी अब हमको जो है महारत्ना का दर्जा दिया जाए। तब उसको जा करके जो है गवर्नमेंट उस पर जो वहाँ पर हैवी इंडस्ट्री है उस पर जो है डिस्कस करती है और सारी चीज़ें चेक करने के बाद में उसको महारत्ना का दर्जा देती है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि अगर महारत्ना का दर्जा अगर किसी कंपनी को मिल गया, तो उससे क्या फ़ायदा होता है उस कंपनी को। फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे कि अगर कोई नवरत्ना कंपनी है,
अगर कोई नवरत्न कंपनी है वो जो भी प्रॉफिट क्रिएट करती है पूरे साल में, तो अगर जैसे चूंकि उस पर गवर्नमेंट का जो है आधिपत्य होता है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो अगर उसको कहीं कंपनी के डेवलपमेंट के लिए अगर मान लीजिए कुछ मशीनरीज लगानी है, कुछ चीज़ें जो है कुछ वेलफेयर के तौर पे कुछ चीज़ें कंपनी के लिए जो है उसको बनाना है, या फिर जो है एक नया प्लांट उसका कोई एक नई ब्रांच खोलनी है, इस तरह का जो भी काम है अगर कुछ उसको कुछ नया करना है कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको जो नवरत्न कंपनियाँ होती हैं उनको जो परमिशन दी जाती है 1,000 करोड़ की परमिशन दी जाती है कि आप जो है बिना जो है हैवी इंडस्ट्री से जो है पूछे हुए आप बिना परमिशन लिए हुए आप 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं अपने कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। बट अगर किसी कंपनी को जब महारत्न का दर्जा हासिल हो जाता है तो उसका क्राइटेरिया बढ़ जाता है और वो जो है बढ़ करके 5,000 करोड़ का हो जाता है। इससे होता क्या है, अगर अभी तक क्या होता था, इसके पहले नवरत्न कंपनियों को 1,000 करोड़ रुपए की छूट मिलती थी कि आप अपने प्रॉफिट का 1,000 करोड़ रुपए कहीं भी खर्च कर सकते हैं। बट महारत्न कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपए बिना गवर्नमेंट के परमिशन के अपने कंपनी के डेवलपमेंट के लिए खर्च करने की पूरी छूट होती है, और जितने ही ज़्यादा उसको अगर किसी भी चीज़ को फ्रीडम मिलती है उतने ज़्यादा उसके डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज में उलझ करके वो बहुत सी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ से जो मतलब एक मेन डिफरेंस होता है नवरत्न और महारत्न कंपनियों में। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा अब तक हासिल हुआ है। तो जो करंट लिस्ट अगर देखी जाए, तो अगर आप जाएंगे DHI की लिस्ट पे आप देखेंगे तो उसमें जो आपको मिलेगा कि जो मेन इस समय 10 कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा हासिल हुआ है। यह लिस्ट उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बेस पे अपडेट होती रहती है टाइम टाइम पे, इसलिए परमानेंट फिक्स नहीं होता है। तो इस समय जो कंपनियां हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें आपका NTPC, ONGC, सेल, BHEL, IOCL, HPCL, CIL, GAIL, BPCL और पावर ग्रिड हैं। ये 10 कंपनियां हैं जिनको प्रेजेंट टाइम में महारत्न का टैग मिला हुआ है, और हो सकता है फ्यूचर में इनमें से किसी का नाम हट भी सकता है और बिना इसमें ऐड भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ें थी जो बेसिक महारत्न कंपनीज के बारे में। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा महारत्न कंपनियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए नवरत्न और मिनी रत्न में क्या जो है डिफरेंस है और उनके क्या क्राइटेरिया हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।